कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद हमारे साथ हैं। सर, आज से आपने ट्वीट किया, क्या मतलब है इसका? देखिए, मतलब बहुत साफ है। मतलब है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म ने इसको नहीं कहा है। अभी दो लोग पकड़ा गए हैं जो लॉ ब्रेकर्स हैं इस देश के, एक छोटा राजन और एक अनूप चेतिया। अनूप चेतिया बांग्लादेश में बहुत दिन से गिरफ्तार थे, अभी वो भारत लाए गए हैं। छोटा राजन को इंडोनेशियन पुलिस ने पकड़ा और फिर उनको भारत के पदाधिकारियों को सौंपा गया। मैंने इतना ही कहा है कि बहुत शुक्र है, बहुत धन्यवाद है कि ये दोनों मुसलमान नहीं हैं। अगर ये मुस्लिम होते तो बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी की सरकार कहती कि इनको इसलिए पहले कांग्रेस या यूपीए सरकार ने नहीं पकड़ा था, इसलिए कि ये मुसलमान थे और वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे थे। और जो एनडीए गवर्नमेंट, जिसके मंत्री लोकसभा के फ्लोर पे ये बोलते हों कि ये बात सही है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों है? ऐसे लोगों का जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करना चाहिए। थैंक यू सर। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनका साफ तौर से कहना है कि जो सच है उसको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से कैमरामैन निहाल के साथ अमर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।